एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 21 मार्च 2021। मैं हूँ अभी गोवा जंपिंग हाइट्स द बंजी पीपल, आया हुआ हूँ बंजी जंपिंग के लिए। एक्चुअल में मैं नहीं करने वाला बंजी जंपिंग, मयंक करने वाला है, क्योंकि मुझे थोड़ा हाइट फोबिया भी है, इसलिए हमने सोचा मयंक को कूदवाएंगे। भाई जंपिंग हाइट्स ना गोवा और ऋषिकेश दोनों जगह पर ही है, और ये एक लोती बंजी फैसिलिटी है जो कि सर्टिफाइड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बंजी ऑपरेशन से। ऋषिकेश में ना ये 2010 से है और अब गोवा में भी ये खुल चुका है। ये है फर्स्ट फिक्स्ड प्लेटफॉर्म बंजी ओवर मायाम लेक नॉर्थ गोवा में इन एसोसिएशन विद गोवा टूरिज्म। जंपिंग हाइट्स इज रन एंड ओन्ड बाय एक्स आर्मी ऑफिसर। वो ऊपर आप प्लेटफॉर्म देख रहे हो, वहां से जंप होने वाली है। मयंक भाई साहब इधर देखिए कैसा लग रहा है, डर, दिल धक धक, बिल्कुल नहीं, कुछ तो हो रहा होगा। ओ भाई वो देखो ऊपर से जंप हुई अभी अभी, ओ तेरी कैसा लग रहा है? कुछ भी नहीं, ये अभी इसको फील हो रहा है, ऊपर चलेगा फिर पता चलेगा। है जी जो इनकी ऋषिकेश वाली ब्रांच है ना, वहाँ पे तो इंडिया की हाईएस्ट जंप है 83 मीटर ना, और यहाँ पे है 53 मीटर की, बट ये भी भाई बहुत ऊंचा है, छोटा ही चलेंगे, कोई नहीं, अभी मैं दिखाऊंगा फुटेज, ऊपर चलने दो फिर पता चलेगा। ये है गेट जो मेन एंट्री, आते ही यहाँ पर टेम्परेचर एंड ऑक्सीमीटर चेक होता है, साथ ही साथ सैनिटाइजेशन भी गेस्ट की और स्टाफ की प्रॉपर करवाई जा रही है कोविड की वजह से, और रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं फटाफट से और अंदर जाते हैं। कितने चार्जेस है वैसे एक जंप के यहाँ के? 4850। ठीक है, बाकी गाइडलाइंस दिखा दे नीचे। यहाँ पर एज लिखी हुई है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वेट लिखा हुआ है, प्लस जिनको थोड़ी सी चीज़ें भी दे रखी है, हार्ट प्रॉब्लम है या हाई ब्लड प्रेशर है, ये सब नहीं हो तो तभी आना आप। बाकी प्रॉपर मास्क पहन के रखो, काफ़ी कोविड फैल रहा है आपको पता ही है, तो स्टाफ ने भी और जितने भी दूसरे गेस्ट हैं सबने मास्क अच्छे से पहना हुआ है। यहाँ पे कैफेटेरिया भी है, और जो टेबल्स लगे हुए हैं ना, ये 2 चेयर पर टेबल है, और बीच में ना ये एक्रेलिक शीट का पार्टीशन भी बनाया हुआ है टेबल्स पर, इस तरह की ना स्टिकर मार्किंग भी हुई हुई है सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए। कोविड के बाद ना जंपिंग हाइट्स गोवा को वापस से रीओपन किया गया था 1 अक्टूबर को विद हाईएस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड। ये सब पॉसिबल हो पाया था 4 पेज के COVID-19 सेफ्टी मेजर्स को सबमिट एंड अप्रूवल लेने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गोवा से। यहीं पर ना ये लॉकर्स बने हुए हैं, तो अपना बैग वैग तो हम इसी में रख देते हैं, जो चीज़ें ऊपर नहीं ले जा सकते। ये आ जाएगा बैग, आ गया बैग इसी में, यहाँ पे मस्त लॉक दे रखा है, हमें लॉक लगा के ले जाते हैं चाबी। इस वाले रूम में मयंक की ब्रीफिंग होने वाली है, अभी भी नहीं धक धक कर रहा, करना तो चाहिए यार, ये तो गलत बोल रहा है, ऊपर बताएंगे कोई नहीं। मेरे लिए एक तो सबसे अच्छी बात भाई, यहाँ पे नेटवर्क तो आ ही नहीं रहा किसी भी सिम के, तो फोन मिल रहा था ना, इंटरनेट नहीं चल रहा था, बट यहाँ पे इतना तगड़ा हाई स्पीड इंटरनेट लगा हुआ है वाईफाई, जो आप पासवर्ड वासवर्ड डाल के मस्त यूज कर सकते हो। फ्री वाईफाई 4800 रुपये में वाईफाई। वैसे तो खैर मैं जंप कर नहीं रहा, बट एक बार वेट कर लेते अपना कितना, क्योंकि काफी टाइम से मैंने करा नहीं है। 87.9 लॉकडाउन से पहले मैं 72 हुआ करता, तो रब भाई साहब सीधा 87। इनके अकॉर्डिंग मतलब मैं रेड जोन में पड़ता हूँ भाई साहब। जूते उतार के मयंक है 77 और मेरा जूते वूते उतार के लगा लो 87 होगा भाई साहब, मैं इससे 10 किलो ज्यादा हूँ, कमजोर रह गया मयंक तू, कमजोर रह गया मयंक तू, खाया पिया अगर थोड़ा, हम खाते पीते घर से है ना इसलिए। ये ऊपर दिखाना होता है क्या वेट? तो जो रेड जोन में आते हैं वो भी कर सकते हैं ना वैसे तो? हाँ, अच्छा 110 तक लास्ट वेट लिमिट है यार, वेट लिमिट है। हाँ, ये तो ओवरवेट है, मैक्सिमम वेट है। ठीक है। सो वेलकम टू जंपिंग हाइट्स, आई एम सोनम। ओके, आई विल बी शोइंग यू अ सेफ्टी ब्रीफिंग वीडियो। आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, यू कैन आस्क मी लेटर ऑन। आफ्टर ऑपरेटिंग ओवर 80,000 जंप्स इन ऋषिकेश सिंस स्टार्टिंग इन 2010, वी द बंजी पीपल आर एक्साइटेड टू ब्रिंग आवर मैजिक टू गोवा। लेट अस हैव अ लुक एट अ सेफ्टी ब्रीफिंग वीडियो। आपको ऊपर ना जंप्स के सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट मिलेंगे, और अगर आप नहीं जंप कर पाते उसके बाद, तो वैसे भी कोई भी रिफंड पॉलिसी नहीं है। तू कौन से अटेम्प्ट में करेगा भाई? मैं 0। वैसे वो कह रहे हैं अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करते तो वो पीछे लेकर आपको थोड़ा मोटिवेट करेंगे ताकि आप कर पाओ। प्लस ये अभी टैब में एक डिस्क्लेमर, क्या ये डिस्क्लेमर होगा ना, भर दो मेडिकल कंडीशन इसमें पूरा आपको भरना है। It's not easy, I can't step down.
अच्छा एक छोटी सी करेक्शन है, ऋषिकेश वाले की तो हाइट मैंने सही बोली थी 83 मीटर, लेकिन यहाँ की 53 नहीं 55 मीटर है ना। और ऊपर आ गए, इतनी तेज हवा चल रही है ना, पता नहीं आवाज भी आपको फुरफुर की ना आए, हद से ज्यादा हवा है ना। और रिकॉर्डिंग ये आपको पूरी करके देंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी हम तो ड्रोन लाए हैं, तो इसकी तो मैं फुटेज ऐसी गजब की बना दूंगा ड्रोन उड़ा के, याद रखेगा जिंदगी भर। आए हाय क्या बात है, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है। लेकिन मैं हाइटों पे तो मैं बहुत गया हूँ, मतलब बुर्ज खलीफा ही खलीफा वो खलीफा, और दुबई फ्रेम पे भी मेरी फट रही थी मैंने 83 मीटर्स पे। लेकिन अपनी हाइट के डर को निकालने के लिए जंप मारेंगे आज हाइट से, क्या बोलते हो? हो रहा है अब धक धक? कुछ नहीं, अभी भी कुछ नहीं हो रहा, मतलब कूद के जाऊँ ऐसा। सुपरमैन की तरह सुपरमैन, देखते हैं देखते हैं। देखो इस जगह से जंप होगी, और यहाँ पर इनका कोई कैमरामैन है जो पूरी फुटेज लेगा। यहाँ पर देखो यार, रिस्क तो कुछ भी नहीं है, सेफ्टी प्रॉपर होती है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के सेफ्टी मेजर्स को फॉलो किया जाता है। इसके अलावा जितने भी जंप मास्टर्स है वो सारे ट्रेंड है अंडर न्यूजीलैंड एक्सपर्ट्स है ना। तो यहाँ पर सर भी है, क्या नाम है आपका? सागर। हाय सागर। बाकी ऋषिकेश में 80,000 से ज्यादा जो है जंप्स हो चुके हैं सक्सेसफुली पिछले 10 सालों में, 10 या 11 साल ऑलमोस्ट है ना। तो इसलिए मयंक को डर तो नहीं लग रहा, बट वहां जाके फिर भी धक धक तो पक्की बात है होगा। अरे मतलब मैं ड्रोन उड़ाऊंगा, इसके फेस पे पूरा दिखाऊंगा एक्सप्रेशन इसके क्या होते हैं। ये अभी हवाबाजी मार रहा है, वहां जाके असली में पता चलेगा। फाइनली मूवमेंट आ गया है। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इफ यू वांट टू गो फॉर टाइम, कीप योर बॉडी स्ट्रेट, बैडी आर्म, यू लीन फर्स्ट एंड व्हाइल लीनिंग ओनली यू पुश। ओके, इफ यू वांट टू गो फॉर डाइव देन यू कांट, देन फाइन, कीप योर बॉडी स्ट्रेट, स्ट्रेट जस्ट फॉल। ओके, जस्ट कीप इट सिंपल इफ यू कांट, या आई कैन बेंड माय नीज व्हाइल लीनिंग, बट व्हाट आई विल सजेस्ट, डोंट बेंड योर नीज। ओके, अब हो रहा है धक धक, कुछ भी नहीं हो रहा, रहने दे, नॉर्मल है। चलो चलो चलो, हो जाओ खड़े। चलो बाय, नीचे जा रहा हूँ मैं, पता नहीं मिलेंगे कि नहीं। ओके मिलेंगे। भाई क्या करा है तूने, कैसा लगा? मेरी हालत खराब हुई, मेरी ड्रोन की बैटरी 100 से 35 होगी जब कूदा ये। क्या करूं, हालत ऊपर देख तू जा, ऊपर तो हवाबाजी मार रहा था तू, है बेटा। फिर भी फाइनली मैं बैकअप नहीं करके आया, कर लिया, बहुत बढ़िया। चलो भाई मिशन सक्सेसफुल, मयंक ने दिखाई दिया डेयर और बहुत बढ़िया। बधाइयां जी, बैज मिल गया, दिखा क्या बैज है। आई हैव गुड गट्स बट आई डोंट हैव, आई नो मैंने कैसे कैसे किया, पसीने देख कितने खतरनाक आ रहे हैं भाई साहब, देख रहे हो वहां से पूरा नीचे। तो मेरा भी जब बैक पेन शोल्डर पेन ठीक होगा मैं भी ऋषिकेश में करने जाऊंगा। बैक पेन शोल्डर पेन कुछ नहीं, मजाक कर रहा है। ना 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 सही में है, पता है सबको बैक पेन तो बाइक में मैं जाता हूँ जब भी नहीं रहता, होटल होटल में भी। इसमें तो बैक पेन तो कुछ नहीं लिखा था वहाँ पे, तो लिखा देखो मैं मन बना के आया था पूरा करने का, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे आके देखा बैक पेन का, तो मैंने इसलिए मना कर दिया। सही है कह रहा हूँ ना मैं? मयंक पहले हवाबाजी देख रहे थे ना कितनी कर रहा था, मैं तो पहले ही अटेम्प्ट में छलांग मारूंगा, उड़ती हुई डाइव मारूंगा, वहां जाके 15 मिनट खड़ा रहा ऊपर, मेरी ड्रोन की बैटरी तक खत्म हो रही थी। बट अब 4:30 बज गए और भूख बहुत तेज लग रही क्योंकि सुबह का बस वो क्या खाता क्या खाया था हमने, वड़ा पाव खाया हुआ है, इसलिए सैंडविच मिक्स फ्रूट जूस। और मयंक तो अभी भी सदमे में है, तो थोड़ा पानी पी रहे हैं। आज के अपने इस एक्सपीरियंस से ना मैंने 3 चीज़ें नोटिस करी, एक तो जितने भी यहाँ पे डूज एंड डोंट्स हैं ना वो स्ट्रिक्टली भाई सुपरवाइज किए जाते हैं एक्स आर्मी ऑफिसर्स के द्वारा, दूसरा यहाँ पर जितनी भी कार मशीन्स या इक्विपमेंट्स है वो अच्छे से सैनिटाइज किए जाते हैं, और तीसरा जितनी भी फूड कंसाइनमेंट्स आती है ना वो स्टॉक होने से पहले अच्छे से सैनिटाइज होती है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल?
सही था, खतरनाक, मजा आ गया ना, मजा आ गया। बिल्कुल स्मूथ भाई, अब बेटर लग रही है चीजें, अब तो हो गया ना, छलांग मार दी, अब तो अच्छा ही लगेगा। अब यहाँ से जितनी भी फुटेज हमारी रिकॉर्ड हुई थी उन्होंने जो ली थी मिल जाएगी, प्लस में ये सर्टिफिकेट भी मिला इसको, बधाइयां जी। किसमें कार्ड में दे रहे हो? हो जाएगी कॉपी कार्ड में, रो फुटेज नहीं, वैसे लिंक भी भेज दोगे ना आप एक बार? लिंक भेज दिया। अच्छा हाँ, बैकअप के लिए लिंक भी मिल जाएगा, प्लस कार्ड या फोन में भी कॉपी करवा सकते हो। तेरी है? हाँ। ओ ये चल रही इसकी, क्या बात है, फिर से चलेगी। पैर कांप रहे, साफ वो देख, मोड़ रखे पैर। चलो जी, टाटा बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है जंप इन हाइट्स को। बाकी टाइमिंग्स मैंने पूछी तो 9:30 से 5:30 बजे तक की है, और जितनी भी डिटेल्स आपको चाहिए, वेबसाइट नंबर्स या फिर एड्रेस वगैरह, सारा कुछ डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको यहाँ का मिल जाएगा। ठीक है जी, फिर रखते हैं, ख़त्म करते हैं आज के ब्लॉग को, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय, एज ऑलवेज सीखे रास्तों पे नहीं पढ़ना फीका, लेकिन आज पढ़ गए थे थोड़ा थोड़ा नहीं, बट एंड में मार दीजिए हम तो, ठीक है भाई, हो गया था। चलो बाय बाय।